आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम लिटरली द फर्स्ट वन हियर. मुझे कैप्चर कर लो. हेलो बोल दो सर. नहीं बोलूंगी मैं, अब काम होएगा तब बोलूंगी. वो गाड़ी नहीं मिल रही, इतना सामान है. दैट्स माय बिल्डिंग. Hi guys, this is Ritika and welcome back to my channel. मैं जा रही हूँ ऑफिस. अभी कंघी करने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो जो भी रास्ते में रेड लाइट आएगी वहाँ रुक के मैं कंघी करूँगी. एंड आज मेरा टीम लंच होगा, तो हम लोगों को उन्होंने बोला हम सब साथ में कहीं जाएंगे ऑफिस में, मुझे आइडिया नहीं है. तो अभी मैं जाती हूँ और मैं आपको वहाँ जाके अपना ऑफिस दिखाऊंगी. मैंने खुद भी नहीं देखा है और अपनी लुक दिखाऊंगी. एंड स्टे ट्यून्ड. अभी एक घंटे की ड्राइव है, इट्स 8:15, तो मैं काइंड ऑफ लेट हूँ, एक डेढ़ घंटा एक्चुअली. तो चलो चलते हैं, ट्रैफिक पता नहीं कितना है, सुबह सुबह काफ़ी हो सकता है, तो जल्दी चलते हैं. तो मैं पहुंच गई हूँ, 10 मिनट पहले ही हूँ मैं. और ये है पार्किंग, काफ़ी मतलब अलग अलग पार्किंग्स हैं यहाँ पे. 6-7 पता नहीं कितने टावर्स हैं, मेरे को 6 में जाना है, तो हर टावर की अलग पार्किंग है. तो मैं एंट्री कर रही हूँ, 10 मिनट है तो हम लोग घूमते हुए चलेंगे. आई एम इन द लिफ्ट और मेरे को 14th फ्लोर तक जाना है, तो वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है. धीरे से मैं चल रहा हूँ, टास्क देख लो. मेरा पहला दिन है और मैं ब्लॉग करते आ रही हूँ. हाय, आई एम योर न्यू फॉरएवर एम्प्लॉई, इंटर्न बोलने लगी थी. ज्यादा हम बूढ़े हो रहे हैं. वो कोई भी नहीं है. आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम लिटरली द फर्स्ट वन हियर. देखो मैं जाना चल रही हूँ, लाइटें ऑन हो रही हैं. मतलब मेरी मम्मी मुझसे इतनी इम्प्रेस होंगी ना. मेरी बस हमेशा हम भाग भाग के पकड़ते थे, मम्मी भागती थी. आई एम द फर्स्ट वन, पूरा ऑफिस खाली है. सो प्राउड. वैसे मुझे लेट आने ना पसंद है, इतना वेट नहीं करना पड़ता किसी का. ठीक है, लेट्स फाइंड अ सीट. अब मुझे पता भी नहीं कहाँ बैठूँ, मेरे को विंडो सीट चाहिए. काफ़ी बोर हो गई हूँ मैं, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, बैग यहीं छोड़ रही हूँ. मैं जा रही हूँ वॉशरूम, मिरर सेल्फी लेंगे हम. इंस्टा पे भी स्टोरी बना ली है मैंने, मुझे ऐसे चाहिए अभी एकदम खाली है ना, मैं कुछ रैम्प वॉक करते हुए बना लूँ. अब शिट में क्या. बट मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने को नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि जब वो दूसरा वाला फ्रेशर आएगा तो मैं उससे खिंचवाऊंगी. अब से वो फोटोग्राफर मैं उसे अलॉट कर दूंगी. लाइक आई एम सो अनॉइंग, अभी तक मिली हुई नहीं उस बंदे से, मैंने पहले ही उसे काम डाल दिया. कोई नहीं, चलते हैं वॉशरूम, मेरे हिसाब से लेंगे. आई विल शो यू माय आउटफिट. ये वाला वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है, उस टावर का तो काफ़ी अच्छा था, ऊपर लाइट नहीं है. ओके, सो दैट्स द लुक. आउटफिट डिटेल्स देना भूल गई थी मैं, तो अब बता देती हूँ. माय टॉप इज़ फ्रॉम H&M, शर्ट पापा की है, पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा एंड हील्स आर ऑल्सो फ्रॉम ज़ारा, बैग इज़ फ्रॉम शीन एंड शेड्स आर फ्रॉम मार्क जेकब्स. वॉशरूम है. एंड अब मेरे को लगता है मैं अंदर जाती हूँ, अब लोग आने शुरू हो गए होंगे. सो लेट्स गो. थोड़ा बैठ जाती हूँ, तो पैर भी मेरे अभी से दर्द होना शुरू हो गए हैं, पसीना भी आ गया, पंखा कुछ नहीं है. इट्स लिटरली सो वियर्ड कि बस मैं ही हूँ. मुझे आए हुए भी 20 मिनट हो गए हैं. अब इतनी देर वेट करने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ काम शुरू करते हैं, बट मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है लैपटॉप में. आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट, पता नहीं कैसे होता है. हाय. मुझे बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. यहाँ के मैंने सबको तंग कर दिया. आज सो मेरे को इन लोगों ने पुराना लैपटॉप जो दिया था, ये इतना बेकार है, इसमें वाईफाई भी नहीं कनेक्ट हो रहा है, इसकी बैटरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऑफ ही रहता है, इसको चार्जिंग चाहिए होती है. तो मैं नीचे जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे IT डिपार्टमेंट के पास इसे दिखाने कि इसमें वाईफाई कनेक्ट करके दो. सो मैं IT रूम में बहुत देर बैठी हूँ, ऑलमोस्ट आधा एक घंटा, और मेरा लैपटॉप ठीक नहीं हुआ. उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा तो आप छोड़ के चले जाओ, मैं आपके ऊपर दे दूंगा. सो यस, और IT के रूम में लिखा था प्लीज डोंट कॉल अस भैया एज वी आर नॉट योर सिब्लिंग्स. दैट्स अ वेरी वेरी सैड लाइफ. सो मैं बस ऊपर जा रही हूँ.
लैपटॉप ही नहीं है, मतलब मैं तो वेट ले आई हूं। हम बाहर निकल रहे थे कि आमेटी या कहीं कुछ खा के आएंगे और हमें वापस फोन आ गया मैम का, तो हम वापस आ रहे हैं। और अब मेरी अच्छी वाली पार्किंग भी हट गई होगी, मैंने एकदम गेट के बाहर लगाई थी। क्या चल गया ये क्या है? क्या चल गया ये? मुझे YouTube ब्लॉग है मेरा सच्ची सच्ची ये पहले दिन मेरा ये है, मेरी पार्किंग चली गई। मैंने एकदम यहाँ लगाई थी गेट के सामने कि मुझे कम चलना पड़े, अब वो लगाने गए, वो लगाएंगे कि मेरे ज्यादा ना चलना पड़े क्योंकि मेरी हील तो मैं यहाँ उतर गई गेट पे। नाउ ही विल पार्क एंड कम बैक। और हमने सोचा हम थोड़ा घूमने निकलेंगे, बट हमें जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचे वैसे ही फोन आ गया मैम का, तो हम वापस आ रहे हैं। अब शायद टीम लंच टाइप टाइम भी हो सकता है, कुछ करने को नहीं है ना एक्चुअली, वरना हम बैठ जाते हैं, बट बहुत बोर हो रहे हैं। मैंने यहाँ बाहर अपनी फोटो शूट करा लिया, मैं आराम से चप्पल पहन सकती हूँ। अभी हम लोग पिज्जा लेने गेट पे जा रहे हैं, पूरी टीम का पिज्जा आया है क्योंकि हमारी टीम से दो लोगों की आज फेयरवेल है, तो इसलिए ऑफिस टाइप लंच है। मुझे लगा था कि हम लोगों का मतलब फ्रेशर्स को के लिए स्पेशल लंच है, बट अपेरेंटली लोगों की फेयरवेल का लंच था। डोमिनोस इज हियर, मुझे बोला है फोन अंदर डाल ले, व्लॉग बाद में कर रही हूँ। ये देख लो लंच है ये हमारा, व्लॉग को दिखा रही हूँ। लंचेस सब ये ब्रेकआउट रूम में हम लोग खाने हैं, मैं दिखाती हूँ। So, ये है ब्रेकआउट रूम। अच्छा, हम ये दूसरे ब्रेकआउट रूम में आ गए क्योंकि वो वाला बहुत छोटा था, तो सब पूरे नहीं आ सकते थे। ये है, एक बार ले लूं सबको? गाइस ये मेरी टीम है, सो हेलो बोल दो सर। ये मेरा YouTube चैनल है, तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। सिर्फ मैं चिकन खाती हूँ। हम लोग नीचे आए रामान से, हेलो। हम लोगों को मैम ने लंच के बाद थोड़ा सा काम समझाया, और हम लोगों को इतनी नींद आ रही थी पिज्जा खाने की एकदम नींद नींद में जैसे समझा। और फिर हम आईटी में आए और लैपटॉप के लिए मेरा लैपटॉप नहीं मिला, बट अब हम लोग फालतू टाइम पास राउंड मारने आ गए हैं। आई विल शो यू सामने व्यू। खाली का चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सब जगह कॉफी बना, आई विल हैव वाटर बिकॉज हम लोग सिर्फ कोल्ड कॉफी पीते हैं, तो हम पानी पियेंगे। आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग बट लेट्स ट्राई लाटे, लेट्स सी। अरे इधर से नहीं आएगा? इधर से आएगा। That's a surprising thing for us. तो ये क्या फ्रॉथर है ये वाला? I think. बकार में नहीं होंगी। ये कहाँ बवासीर बना दिए हो? कॉफी फेंक दी। Good job, chef. सो मेरे लैपटॉप का काम हो गया, वो फाइनली सेट हो गया, और मेरे फ़ोन के पास मच्छर घूम रहा है। एंड अब बस हम लोग निकलने वाले हैं, इट्स 6:45, तो मेरे को 9 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया ऑफिस में आके। मेरी हालत देखो, बस आज मैं पूरा दिन फ्री थी, इसे लैपटॉप का थोड़ा सा काम और थोड़ा सा लंच के बाद मैम ने एक्सप्लेन किया, तो ठीक है अभी कुछ काम नहीं था।
पिन तो डाल दे, ये सबसे अपना लैपटॉप शॉप है क्योंकि ये नया लैपटॉप है एकदम। अब जिसको मिलता है वो तो करेगा। जब से कितनी बार देख चुकी हूँ मैं लैपटॉप शॉप। साइन इन कर लेना, वन ड्राइव नया लैपटॉप। अरे मेरा खच्चर सा लैपटॉप, मेरा वाला तो बिना चार्जर के चलता भी नहीं है। चलो भाई आज मैं तो यही काम हो गया, उसी को काम कह सकते हैं। नहीं बोलूंगी मैं, आप काम होएगा तब बोलूंगी। गाइस अभी 7:45 हो गए और अब मेरी छुट्टी हो रही है। मुझे एक्चुअली 6:30 निकलना था बट लेट हो गया। देखो इतना अंधेरा हो गया बाहर, सो इट्स वेरी वेरी लेट। और मेरे हाथ में इतना सामान है, मेरी हील्स थैला पार करके बाहर फट के आ गई है, तो अपनी बस नीचे जा रहे हैं। मेरे को अपनी कार भी नहीं पता कहाँ है, अर्नल लगा के आया था और अभी उससे सर बात कर रहे हैं, तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी बट वहीं आस पास ही कहीं है। So, yeah, ये वाली बेसमेंट लॉक हो गई और मेरे पास इतना सारा सामान है, लाइक माय हैंड्स आर जस्ट सो फुल। तो मेरे को दूसरी बेसमेंट में जाना पड़ेगा, ये बड़ा चक्कर है, यहाँ का पता ही नहीं लगता कौन सी एंट्रेंस कहाँ से है। गाइस ये देख लो, हर पार्किंग पे ये लगा हुआ है गर्ल्स का, हर जगह है, पर यहाँ पे सब लड़कों ने गाड़ी लगाई है। हालत देख लो कैसी है, ये इसलिए ही होता है, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे, तो इसीलिए रिजर्व करी जाती है ताकि हम लोग आराम से अपना सामान लेके जा सके और हील्स में हमें ज़्यादा ना चलना पड़े। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, तो समझ जाइए कि ये पार्किंग स्पॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ी नहीं मिल रही, इतना सामान है, मेरा हार्ट टूट गया, मेरा मन कर मैं जमीन पे बैठ जाऊं। हेल्प मी, वेयर द हेल इज माय एफएन कार। फिर मैंने अर्नव को फोन किया, वो आ रहा है, पर मेरी गाड़ी कहाँ गई। मुझे फाइनली मेरी कार मिल गई है और अभी मैं जा रही हूँ अक्षत भैया के ऑफिस, उनको लूँगी और उसके बाद वो मेरी गाड़ी चलाएंगे आधे रास्ते तक, मतलब मेरे घर से फिर मेरे को बस 15 मिनट चलानी पड़ेगी, ऐसे मुझे 1 घंटा चलानी पड़ेगी, पर मेरे को उनके ऑफिस तक भी 15 मिनट चलानी, बट ठीक है टाइम पास हो जाएगा मेरा रास्ते भर। सो या दैट्स माय बिल्डिंग, इस टावर में बैठी थी एंड ये है एग्जिट गेट और अब हम बाहर जा रहे हैं। फाइनली हमारा दिन ख़त्म हो रहा है 8 बजे। हेलो, लाइट ऑन करते हैं। हेलो ड्राइवर हमारे, सीजन 2। हाँ सीजन 2, मैं आराम से बैठी हूँ, गाने सुन रही हूँ, लाइफ इज बेटर अगेन। अब घर जाके मैं खाना खाऊंगी, इतनी भूख लग रही है मुझे, मैंने दोपहर का पिज्जा खाया हुआ है बस। अब हम घर चलते हैं। तारा मैं आज सुबह 7:15 की निकली हुई, अब आ रही हूँ 9:30 बजे घर और मैं एकदम थक चुकी हूँ और आज मेरे को घर में याद भी आ रही थी मम्मी जी। मेरे को पता नहीं आज मम्मी की याद आ रही थी इतनी, गुड्डू की नहीं ना पापा की। और जो भी है आज का दिन मेरा यही था। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।